हेलो फ्रेंड्स, मैं ही अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और साउथ इंडियन रेसिपी, मामिड़िकाय पप्पू। मामिड़िकाय मीन्स मैंगो, पप्पू मीन्स दाल। तो आज हम बना रहे हैं आम से दाल, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, टैंगी है, यम्मी है। तो इसके लिए मैंने लिया एक कच्चा आम। कच्चा आम हमें थोड़ा बड़ा साइज़ के लेना है, एकदम छोटा भी नहीं लेना है और ना ही पका हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक कच्चा आम लिया है, उसके अलावा मैंने अरहर दाल लिया है, उसके अलावा हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब मैं इसमें दाल डालकर पहले इसको मैं वॉश कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मूंग दाल भी ऐड कर सकते हो या मिक्स दाल के साथ भी आप बना सकते हो, बट ट्रेडिशनली ये अरहर दाल से ही बनता है। अब मैंने दाल धो के उसमें हरी मिर्च डाला है, उसके बाद आम को काट के डाल रही हूँ और पानी। पानी आपको जितना चाहिए, मतलब दाल की कंसिस्टेंसी, उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करना। उसके बाद अराउंड 1/4 टीस्पून अभी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डाल के प्रेशर कुकर बंद करके इसे 3 से 4 विजल या तब तक जब तक कि दाल अच्छे से नहीं पकता है हम लोग इसे पका लेंगे। अभी मैंने दाल को एकदम अच्छे से पका लिया है, 3 विजल में दाल काफ़ी अच्छे से पक गया और उसे मैंने अपने आप ठंडा होने दिया है। अब दाल को मैं इस तरीके से स्पून से मैश कर रही हूँ। चाहो तो दाल घोटनी से भी मैश कर सकते हैं। अगर आपको दाल एकदम चिकना चाहिए तो आप इसको एकदम अच्छे से घोट लेना, अदरवाइज आपको थोड़ा हल्का दरदरा पसंद है तो आप हल्का घोट लेना। और अगर आपको दाल की कंसिस्टेंसी पतली चाहिए तो थोड़ा सा पानी गर्म करके ऐड करके आप पका सकते हैं। अब मैंने दाल को थोड़ा सा घोट लिया है और आम को हमें बिना छिलका उतारे ही काट के डालना है। छिलका उतार के नहीं डालना है क्योंकि छिलके से ही दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी मैंने दाल को हल्का दरदराई रखा है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं किया है। अब उसके अलावा ये है एक प्याज, करिया पत्ती और हरी मिर्च। तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों, चना दाल, उड़द दाल, थोड़ा सा हींग है, थोड़ा सा हल्दी, सूखी लाल मिर्च, नमक और तेल। तो सबसे पहले मैंने पैन रखा है, उसमें मैं अराउंड 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालकर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ उड़द दाल डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चना दाल डाल के अभी मैं जीरा डाल रही हूँ। तड़के की सारी चीज़ें 1 by 1 हम इसमें डालेंगे। उसके बाद मैं इसको हल्का मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च डाल के अभी मैं डाल रही हूँ करिया पत्ती। ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और इसे आप एक बार बनाओगे तो डेफिनेटली आप बार बार बना के खाओगे। अभी मैंगो का सीज़न है तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना, अगर अभी तक आपने नहीं खाया होगा तो। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज। आप चाहो तो लहसुन का भी तड़का लगा सकते हो, बट मैं प्याज का तड़का लगा रही हूँ। आप इस दाल को बिना प्याज और लहसुन के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और मैं आप के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वह एक ट्रेडिशनल मैंगो दाल बनाने की रेसिपी है। आप चाहो तो पहले दाल पका के अलग से मैंगो पका के भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसमें एक और हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसमें हमें मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको और थोड़ा तीखा चाहिए तो आप और हरी मिर्च ऐड करना, बट इसमें टमाटर, इमली या मिर्च पाउडर नहीं डालना है। डालने से फिर दाल का जो ओरिजिनल मामिड़िकाय पप्पू का फ्लेवर होता है वो नहीं आएगा। अभी मैं इसको तब तक भुनूंगी जब तक कि प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भुन नहीं जाता है। अभी मैंने इसको काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी। हल्दी अभी मैं और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। डालकर मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे दाल, जिसको हमने आम डाल के पका लिया था। अभी मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। दाल डाल के कुकर में भी थोड़ा सा दाल लगा हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके मैं उसे भी डालूँगी। डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे दाल को आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, पतली गाढ़ी, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये दाल पतली रहने से भी अच्छी लगती है और गाढ़ी भी अच्छी लगती है। अब आपको जैसा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करना। तो मैं इसमें अराउंड 1 ग्लास और पानी डाली हूँ और मैं दाल थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी में ही बना रही हूँ। ये दाल सिंपल स्टीम राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको खाने से पेट में ठंडक भी लगती है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने पकाते समय नहीं डाला है, अभी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग आम, दाल, नमक एक साथ पकाएंगे तो दाल जल्दी नहीं पकेगा क्योंकि आम खट्टा होता है। इसलिए जब भी आप आम के साथ दाल बनाओगे तो पकाते समय नमक नहीं डालना है। अभी मैं इसको ढक के थोड़ी देर पका रही हूँ, अराउंड 2-3 मिनट तक के। अभी 3 मिनट बाद मैं ढक्कन निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं दाल एकदम अच्छे से पक गया है और दाल की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। ऑफ करके अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया। बस हमारा बहुत ही ज़्यादा
टेस्टी टैंगी यम्मी चटपटा मैंगो दाल या मामड़ी का पप्पू बनके रेडी है। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।